नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ करुणेश कौशल और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि गियर को कैसे शिफ्ट करते हैं। तो हमारे बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है कि प्लीज़ एक वीडियो बनाए कि कैसे हम गियर को शिफ्ट करेंगे, और बहुत सारे हमारे ये भी कमेंट आ रहे हैं कि क्या हम फिफ्थ गियर से डायरेक्टली सेकेंड या थर्ड गियर पर ला सकते हैं कि नहीं। तो इन सारे कमेंट्स को मैं देखते हुए इस एक वीडियो में बना रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि गियर किस तरह होता है। तो गियर का कोई भी गाड़ी में हो तो बहुत सारे गाड़ी पे क्या होता है, ये जो आर है इस जगह पर रहता है या इस जगह पर रहता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कार्स पे कि कौन सा कार पे कौन सा गियर कहाँ पे है। तो कभी भी आप कोई भी कार चला रहे हैं तो यहाँ पे सिंबल बना हुआ रहता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंबल बना हुआ है, फर्स्ट लाइन में दिया गया 1 और 2, फर्स्ट लाइन में फर्स्ट और सेकेंड गियर का सिंबल दिया गया है, और दूसरे लाइन पर दिया गया है थर्ड एंड फोर्थ। उसी तरह ये थर्ड लाइन में फिफ्थ एंड आर गियर का, आर मीन्स रिवर्स, ये दो गियर का ऑप्शन दिया गया यहाँ पे। तो आप लोग सोच रहे कि न्यूट्रल किस जगह पे होता है। तो ये जो लाइन है बीच वाला, इसको न्यूट्रल कहते हैं। जैसे कि देखिए, अगर अभी हम इस साइड ले जाते हैं बाएं साइड, तो मतलब इस जो पॉइंट है ये गियर अभी इस जगह पे आ चुका है, और ठीक है ये बीच में आ गया है। हम इसे न्यूट्रल ऑटोमेटिक आप इधर भी कीजिएगा, लेफ्ट या राइट भी कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आके रुक जाएगा, थर्ड और फोर्थ के बीच में यहाँ पे आके ऑटोमेटिक ये रुक जाएगा। तो ये न्यूट्रल इसी को बोला जाता है। अगर हम इधर भी लाते हैं तो ऑटोमेटिक, देखिए छोड़ेंगे इसको हम, तो देखिए वहाँ वहाँ चला गया, ऑटोमेटिक थर्ड और फोर्थ के बीच में चला गया। अगर हम राइट साइड भी ले जाते हैं तो देखिए बीच में अचानक से चला आया। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गियर को चेंज करने से पहले पूरी अच्छी तरह से क्लच को दबाना पड़ता है। तो चलिए क्लच को हम अच्छी तरह से दबा लेते हैं। और मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आपका गाड़ी जब भी खड़ा हो तो उस वक्त गियर को चेंज ना कीजिए। अगर आप चेंज करते भी हैं तो प्लीज़ अपने कार पे उस वक्त भी आप क्लच को दबा लीजिए। तो आप लोग बहुत बार महसूस किए होंगे कि क्लच को अच्छी तरह से दबाए हुए हैं, फिर भी जब गियर को चेंज करते हैं तो उस वक्त गियर आवाज़ करता है। तो आवाज़ करने का ये कारण है कुछ, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से गियर को नहीं लगा पाते हैं, इसलिए वो गियर आवाज़ करता है। क्या होता है कि जब फर्स्ट गियर और सेकंड गियर जब हम लगाने की कोशिश करते हैं तो वो आने की कोशिश करता है फोर्थ गियर पे, उसी वक्त ये क्या होता है आवाज़ करता है गियर। यहाँ पे जब नॉक होता है तो वो आवाज़ करता है गियर, कट करके ये आवाज़ इस तरह से निकलता है, कट करके ये एक आवाज़ आता है, वो गियर को नुकसान करता है, क्योंकि आप अच्छी तरह से गियर को नहीं लगा पा रहे हैं जिसके कारण ये आवाज़ आता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम अच्छी तरह से गियर को लगाएंगे। तो गियर चेंज करना बिल्कुल ही आसान है, बस आपको अपना हाथ का ये जो टेक्निक है उसको यूज करना है। ये बहुत ही हार्ड नहीं है कि आप गियर को चेंज नहीं कर सकते, गियर को अच्छी तरह से लगा नहीं सकते हैं, बस सिंपल से तरीका है, बस आपको वो चीज़ आपको फॉलो करना है। क्योंकि आप जब भी आप अपने हाथ को हाथ से गियर लगाते हैं तो अपना आपके जो ये हाथ है वो हाथ का एंगल गलत होता है, जिसके कारण आपका गियर गलत जगह लग जाता है और आवाज़ भी करता है। तो सारे गियर को लगाने के लिए आपका हाथ का अलग अलग एंगल का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि कौन सा एंगल से कौन सा गियर को लगाना चाहिए। तो गियर को लगाने से पहले सबसे पहले आपको अच्छी तरह से क्लच को दबाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अच्छी तरह से क्लच को दबा दिया हूँ। उसके बाद तो सबसे पहले फर्स्ट गियर को डालने के लिए आपको हाथ को इस तरह से रखना होगा, इस एंगल में, मतलब इस एंगल मतलब ये जो हाथ का फेस है वो उस साइड होना चाहिए, ड्राइवर को पैसेंजर के साइड, ड्राइवर के साइड नहीं को पैसेंजर के साइड होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि ये जो हाथ का फेस है वो लेफ्ट साइड मैंने किया हुआ है, और लेफ्ट की ओर धकल के आगे की ओर पुश करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, पहला गियर लग चुका है। अब जब सेकंड गियर पे डालना हो तो गाड़ी को क्या देख सकते हैं, गियर यहाँ पे सेकंड गियर इस जगह पे है। तो बहुत सारे गलती हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस तरफ द्वारा हाथ को पकड़ते हैं और इस तरह से घिंचते हैं, तो क्या होता है ये डायरेक्ट फोर्थ गियर पे आ जाता है। मतलब आपका जो हाथ का जो एंगल था, एक्चुअली हमारा हाथ अभी अपना बॉडी को घिसता है, तो क्या हो रहा है, हाथ का हम लोग ऑटोमेटिक हाथ हम लोग का इस लेफ्ट साइड का ही फोर्स आ जाता है। हम लोग उस वक्त सोच नहीं सकते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि ये तो सेकंड गियर लग गया है, लेकिन वो सेकंड गियर पे गाड़ी लगता नहीं है, वो आ जाता है फिर सीधा फर्स्ट गियर से फोर्थ गियर पे। तो सबसे ज़्यादा सेकेंड गियर पर लगाना टफ है, क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर क्या करते हैं, इस तरह हाथ पकड़ते हैं सीधा अपनी ओर खींचते हैं। तो जब सीधा अपनी ओर तरफ खींच रहे हैं, इसका मतलब आपका शरीर का जो फोर्स है अपने राइट साइड में है, आपके साइड में, ठीक है, ना कि वो साइड आपका शरीर है। अगर आपका शरीर ऑटोमेटिक उधर, सॉरी,
अगर आपका शरीर इस साइड रहता है तो आपका ऑटोमेटिक आपका सेकंड गियर जो सही से लग जाता है, लेकिन हमारा बॉडी इस साइड होने के कारण हमारा ऑटोमेटिक हाथ इधर आता है, ठीक है। तो इधर इसलिए क्या होता है, डायरेक्ट फर्स्ट से फोर्थ गियर लग जाता है। तो अब सेकंड गियर को किस तरह लगाना है, उसी तरह हाथ को इस साइड पकड़ के, देखिए मैंने हाथ को उसी, इसका जो हाथ का फेस है वो हमेशा इस साइड रखना है, और उसी साइड ढकल के मतलब लेफ्ट साइड की ओर फोर्स करते हुए सेकेंड गियर लगाना है। जैसे देखिए मैंने फोर्स किया हाथ को और सीधा देखिए पीछे की ओर ले आया, आगे से मैंने पीछे की ओर ले आया गियर को, वो सेकेंड गियर लग गया। अब देखिए अभी सेकेंड गियर पे लगा हुआ है, तो सेकेंड से थर्ड गियर पे लाने के लिए हाथ का एंगल किस तरह यूज करना पड़ेगा, तो अपने हाथों को फिर से दोबारा उसी तरह पकड़ के आपका फोर्स उस साइड होना चाहिए, किस साइड होना चाहिए, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड फोर्स करते हुए आगे की ओर हल्का सा धकेलना है, तो ऑटोमेटिक ये बीच में आ जाएगा, इसका मतलब न्यूट्रल पे आ गया है। अब फिर से आपको हाथ इस तरह पकड़ लेना है और थर्ड गियर पे डालना है, और फोर्थ गियर आसान है, सबसे ज़्यादा थर्ड और फोर्थ गियर ही आसान होता है लगाने के लिए। तो फिर से दोबारा हम हाथ को इस तरह पकड़े हैं, आप देखिए हाथ का एंगल यहाँ पर अभी इस तरह था, ठीक है, अब हाथ का एंगल थर्ड और फोर्थ गियर में इस तरह हो जाएगा। तो इस तरह पकड़ें और सीधा पीछे की ओर ले आए, तो ये फोर्थ गियर लग चुका है। अब फोर्थ से फिफ्थ गियर ले जाना है, ठीक है। तो फोर्थ से फिफ्थ गियर ले जाने के लिए किस तरह आपका हाथ का एंगल यूज करना पड़ेगा, जिस तरह अभी थर्ड गियर से फोर्थ गियर पे गाड़ी को लाए थे उसी तरह आपका हाथ का एंगल अभी इसी तरह रहेगा। अब हल्का से आगे करना है, ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ से हाथ का एंगल चेंज हो जाएगा। अब न्यूट्रल पे आ गया, तो तुरंत आपको इस तरह पकड़े थे, तुरंत आपको इस तरह करना है और इस तरह खींच के मतलब राइट साइड में ला के आगे की ओर ढकलना है, तो ये फिफ्थ गियर पे चला जाएगा, ठीक है। और इसी तरह फिफ्थ गियर से फोर्थ गियर लाने के लिए आपको इस तरह हाथ का यूज करना है, ये फेस जो है हाथ का इस साइड होना चाहिए, तो इधर ढकल के आपको न्यूट्रल पर लाना है, तो ये न्यूट्रल पे चला आया। अब बैक गियर को कैसे लगाएंगे, तो बैक गियर को भी इसी तरह यूज करना है, इस तरह किया हाथ और पीछे की ओर कर लिए, तो ये बैक गियर लग चुका है। तो इस चीज़ को आप हमेशा फॉलो कीजिए कि आपको फर्स्ट और सेकंड गियर को लगाना है, तो अपने हाथ को, अपने हाथ का जो फेस है अपने लेफ्ट साइड होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट गियर और सेकंड गियर, ठीक है, और थर्ड गियर और थर्ड एंड फोर्थ गियर पे लगाना हो तो आपका हाथ का एंगल इस तरह से होना चाहिए, सीधा इस तरह से होना चाहिए, तो थर्ड एंड फोर्थ गियर, ठीक है। और फिफ्थ गियर और आर गियर लगा मीन्स रिवर्स गियर लगाना हो तो आपका हाथ का एंगल इस तरह होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से फोर्स आपका इधर जाएगा, और आगे फिफ्थ गियर लगाया गया है, और न्यूट्रल करने के बाद बैक भी लगा सकते हैं। तो बस आपका हाथ का एंगल का चेंज होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि आप आसानी से गियर को लगा सकते हैं। अब बहुत सारे कमेंट्स ये आ रहे हैं कि सर हमारे गाड़ी थर्ड गियर पे है, क्या उसको हम डायरेक्ट फर्स्ट गियर पे ला सकते हैं क्या? तो जी आप बिल्कुल थर्ड गियर से आप फर्स्ट गियर पे ला सकते हैं, बस आपका अपना स्पीड के अनुसार आप अपने गियर को चेंज कर सकते हैं। अगर अभी आप फिफ्थ गियर पे हैं और आपका गाड़ी लगभग 80, 90 या 100 की स्पीड पे है, तो जैसे जैसे आपको जिस तरह का स्पीड रहेगा, अगर आप 40 की स्पीड पर आ गए तो आप वहाँ पे फोर्थ गियर पे ला सकते हैं या थर्ड गियर में भी जा सकते हैं। सपोज डेट आप गया, अभी आपका गियर फिफ्थ गियर पे है, तो इसका मतलब अभी आप काफ़ी ज़्यादा स्पीड होंगे, और अचानक से आपका एक जंप आ गया है, वहाँ पे आपको गाड़ी स्लो करना पड़ा, तो स्लो होते होते कितना की स्पीड में आ गया, 20 की स्पीड या 30 की स्पीड पर आ जाता है, तो उस वक्त आप डायरेक्ट सेकेंड गियर पर लाके जंप को पास कर सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर अभी आप फिफ्थ गियर पे है तो फोर्थ गियर पे लाएंगे, फिर फोर्थ से थर्ड गियर पे लाएंगे, और थर्ड गियर से आप सेकंड गियर पे लाएंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो आप कोई भी गियर आप कहीं भी ले जा सकते हैं, जैसे फिफ्थ गियर पे है तो आप डायरेक्ट फर्स्ट गियर पे भी ले जा सकते हैं अगर आपका फर्स्ट गियर पे, लेकिन हाँ अगर आप गाड़ी को चला रहे हैं और आप फर्स्ट गियर पे डाले हुए भी फर्स्ट गियर पे है और 20 की स्पीड है, और ऑटोमेटिक आप सेकंड गियर को लगाने छोड़ के, थर्ड गियर को लगाने छोड़ के आप सीधा चार गियर पे लगा दिए, तो उस वक्त क्या होगा, गाड़ी आपका बहुत अधिक लोड हो जाएगा, और गाड़ी देख सकते उस वक्त आप लोग महसूस करते होंगे कि गाड़ी के जो गियर है कट 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 आवाज़ करता है, इसका मतलब आपका गाड़ी स्लो है और गियर अधिक है, तो इसलिए आपका उस वक्त इस तरह का आवाज़ निकलता है। तो जब कभी आपने कार को चलाएं तो आपने गियर को चलाते वक्त सीरियल वाइज ही लगाइए, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ एंड फोर्थ से फिफ्थ, ये ना कि अभी हम पहला गियर पे लगाएं और 30 की स्पीड कर दिए और डायरेक्ट हम फोर्थ या थर्ड गियर पे लगा देंगे, ये मत कीजिएगा भूल के भी, कि क्योंकि इसमें
गाड़ी का इंजन पे लोड पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आई होप डेट कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो उन भाइयों को भेजिए जो भाई अभी कार को चलाना सीख रहे हैं और गियर को शिफ्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उन भाइयों को आप भेजिए जिससे कि उनको मदद हो सके। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।